गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हम नया चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं वो है जर्नल। कौन सा चैप्टर है वो? जर्नल। अकाउंटिंग में जर्नल हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब पहले हम समझते हैं जर्नल है क्या। जर्नल इज़ ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कहते हैं जर्नल हमारा क्या है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओके, ऑल ट्रांजैक्शंस आर फर्स्टली रिकॉर्डेड in the books of the accounts okay so kya keh raha hai journal is a book of original entry all transactions are firstly recorded in the books of accounts journal kya ab jaise ye dekhiye humne books of accounts humne accounts bana rahe hain theek hai ab dekhiye hamari roz roz ki जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती है, अगर उसको हम एक सिस्टमेटिक वे से उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या हमें जो है ट्रांजैक्शंस के बारे में पता चल पाएगा कि हम कितनी परचेजेस कर रहे हैं, कितनी सेल्स कर रहे हैं, कितने एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कितने इनकम कर रहे हैं। तो सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता, उन ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको लिखना पड़ता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, CHRONOLOGICAL, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? इन ऑर्डर टू बी हैपनिंग, जिस वे में वो हैपन हो रहा है, जिस सीक्वेंस में वो हैपनिंग हो रही है, उसको उस वे में लिखना, उसको उस वे में प्रेजेंट करना, इन द सीक्वेंस ऑफ देयर हैपनिंग। क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब हो गया? इन द सीक्वेंस ऑफ देयर हैपनिंग, मतलब जिस वे में हमारी ट्रांजेक्शन आ रही है। अगर सपोज हमने आज अपने डे बाई डे परचेजेस कर रहे हैं तो पहली परचेजेस जिसकी आई होगी उसको हमने सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेट अस सपोज मैंने आज को है कोई रेंट दिया अपनी शॉप का, कोई रेंट दिया तो वो मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस है। तो मैं उसको पहले रेंट की एंट्री में रिकॉर्ड करूँगा। लेट अस सपोज मेरे को उसके बाद किसी ने कोई पैसा दिया है, ठीक है, मेरे को कोई इनकम हुई है, तो मैं इनकम की एंट्री बाद में रिकॉर्ड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू बी रिकॉर्ड द एंट्री, द ट्रांजैक्शन ऑफ द रेंट। सो जर्नल क्या कह रहा है? जर्नल इज़ ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वो बुक जिसमें हम अपनी ओरिजिनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लियर। और जो से सीक्वेंस में वो हैपन हो रहा है उस सीक्वेंस में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बेसिक हमारा जो जर्नल का क्या है वो यही है, ऑल द ट्रांजैक्शन आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। ओके, अब जर्नल के फंक्शंस क्या क्या है, कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो जर्नल परफॉर्म करता है। तो अब हम बात करने लगे हैं जर्नल के फंक्शंस के बारे में। मैं ये रब कर रहा हूँ, जर्नल के फंक्शंस के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन क्या है? जर्नल इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जर्नल इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक बार ही हमने ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया है, ये हमारा परमानेंट सोर्स बन जाएगा। चाहे हम इसको 2 साल के बाद भी अपनी इस बुक को ओपन अप करेंगे तो हमें उस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाएगी, हमें वो अवेलेबल हो जाएगी। तो क्या कह रहा है? जर्नल इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंड इसका फंक्शन क्या आएगा? इट मेंटेन्स अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस।
कहते हैं इससे हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको कैसे प्रेजेंट करना, कैसे उसको रिकॉर्ड करना, वो हमें कौन बताता है? जर्नल बताता है। थर्ड क्या कह रहा है? जर्नल इज ए बेसिस फॉर द पोस्टिंग ऑफ एवरी एंट्री इंटो लेजर। कहते अगर हमने लेजर में कोई भी एंट्री को पोस्ट करना है तो जर्नल हमारा वो बेस है। अगर हमने जर्नल में उस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया, हम लेजर में उस एंट्री की पोस्टिंग नहीं कर सकते। सो इफ़ यू वॉन्ट टू डू पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ जर्नल। विदाउट डूइंग दैट एंट्री इन द जर्नल, वी कांट पोस्ट इन टू द लेजर बुक ऑफ अकाउंट। सो जर्नल इज द फोर मोस्ट बुक ऑफ द अकाउंटिंग। एज If you don't post that entry in the books of journal, you can't further process or you can't maintain the further books of the accounts. So, अब हम जो बात करने लगे हैं वो है इसका format क्या। चलो अब हम इसके related बात करते हैं format। Journal बनाने के लिए हमें एक format जो follow करना पड़ता है वो मैं अब ड्रॉ करने लगा हूँ। फॉर्मेट क्या रहेगा उसका? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेट मेंशन करनी पड़ेगी, उसके बाद पर्टिकुलर्स, ओके, उसके बाद लेजर फोलियो, उसके बाद डेबिट और इसके बाद क्रेडिट। ठीक है, तो ये इसका बेसिक है। अब इसमें डेट में हमने ईयर भी लिखना है, मंथ भी लिखना है और साथ में डेट भी लिखनी है। अब नेम ऑफ अकाउंट डेबिट, टू नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड, ओके, साथ में इसके रिलेटेड जो अमाउंट आएगी वो लिखेंगे और नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा? नरेशन। ठीक है, अब एक एक करके हम इसके सारे कॉलम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डेट में हम लिखेंगे कौन से ईयर की हम वो एंट्री है, कौन से मंथ में है, कौन सी डेट को ही। पर्टिकुलर में अब देखिए, जो पर्सन जो अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं उसको डेबिट पे आ जाएगा और जिसको हम क्रेडिट कर रहे हैं वो उसके साथ टू आ जाएगा। LF का मतलब क्या हो गया हमारा? LF का मतलब है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो हम क्यों यहाँ पे लिखते हैं? हम यहाँ पर ना जिस एक नंबर जो है वो ड्रॉ कर देते हैं, वहाँ पर लिख देते हैं। जैसे लेटर सपोज मैंने यहाँ पर कोई एंट्री की, यहाँ पर मैंने वन नंबर डाल दिया। अब ये वन नंबर डालने से मेरे को क्या होगा? जब मैं लेजर अकाउंट पे ये सेम एंट्री लिखूंगा तो वहाँ पर भी एक नंबर पे मैं इसको क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। और सपोज मैं लेजर अकाउंट में हूँ और मेरे को जर्नल में देखना कि ये एंट्री मैंने जर्नल में कब की है, तो अगर मैंने यहाँ पर नंबरिंग डाली होगी तो मेरे को पूरी जर्नल बुक जो है उसको सर्च आउट करने की बजाय जो नंबर मैंने यहाँ पर डाला होगा वो पेज नंबर पे जाकर मैं जर्नल की ट्रांजैक्शन को चेक कर सकता हूँ। तो वेरिफिकेशन के टाइम के लिए लेजर फोलियो हमारी मदद बहुत करता है। हमें जो है सारी बुक सर्च करने की बजाय उस नंबर, पर्टिकुलर नंबर पे जाकर हम उस ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर डेबिट की अमाउंट है वो डेबिट पे डाल देंगे, अगर वो क्रेडिट की अमाउंट है तो क्रेडिट पे डाल देंगे। और लास्ट रही नरेशन। नरेशन का क्या मतलब है? जो हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हम नरेशन में लिख देते हैं कि हाँ जी हमने ये ट्रांजैक्शन कौन सी किया। अगर किसी पर्सन से हमने परचेज किया या सेल किया उसकी फुल फ्लेज डिस्क्रिप्शन हम क्या करते हैं? नरेशन में लिख देते हैं। इससे हमें ट्रांजैक्शन के बारे में पता चल जाता है।
तो ये हमारा बेसिक स्पेसिमेन है जर्नल के बारे में। होप आप लोगों को जर्नल का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसका स्पेसिमेन जो है वो क्लियर हो गया हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरीज रहती है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।